हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा और मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ बालों को लेके, हेयर के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितना शाइन है। और तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं जो भी सारी चीज़ें हेयर हो या फेस के लिए हो, मैं सारी चीज़ें आपके साथ मतलब लगा के तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने अपने बालों के लिए क्या किया है। तो आप जानते हैं कि हमारे मेन चीज़ जो ठंडी आ रही है, तो ठंडी आ चुकी भी है, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो सबको ही होता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, चाहे जो भी हो, सबको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज उस टॉपिक पे लाई हूँ हेयर पे, कि मतलब डैंड्रफ हम किस तरीके से हम कम कर सकते हैं अपने बालों का। तो मतलब कैसे, डैंड्रफ की वजह से हमारे बाल भी बहुत सारे झड़ने लगते हैं, बहुत टूटते हैं और इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है डैंड्रफ की वजह से। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है उस चीज़ों को मैंने लगाया है। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है बालों के लिए। और हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों में हम अपने बालों से डैंड्रफ हटा सकते हैं। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं जो वीडियो आपको बता रही हूँ ना। तो हमें एक बाउल लेना है, उसमें हम दो चम्मच तक दही लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी दही है, तो हमें इसे दो चम्मच लेना है। दो चम्मच मैंने दही ले लिया है और इसमें हमें मिलाना है नींबू, जो कि मैंने आधा नींबू लिया है, उसका रस हमें इस दही में मिक्स करना है। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। अच्छे से इसको गार लेना है, मतलब दो चम्मच दही में। अगर आपके ज़्यादा बाल है तो आप तीन चम्मच लीजिए या फिर चार चम्मच लीजिए, आपके ऊपर, आपके बाल जितने बड़े हैं उतने बड़े आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो चम्मच में आधा नींबू का रस मिलाया है। तो इन सारी चीज़ों को, हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमें दही है ना थोड़ी गाढ़ी ही लेनी है, क्योंकि हम नींबू का रस डालने के बाद जब फेंटेंगे ना, तो इसका जो पतलापन है ना, बहुत मतलब देख सकते हैं आप, इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे बालों से गिरे ना, अच्छे से बालों में अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना नींबू और जो दही है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको बालों में लगा के दिखाती हूँ मैं किस तरीके से लगाने वाली हूँ। चलिए, देख सकते हैं, पहले तो मैं सबसे पहले अपना बाल अच्छे से पीछे कर लेती हूँ। और मैंने इसको अच्छे से इसमें, इसको दो भाग में हमें कन्वर्ट कर लेना है, दो भाग में। मैं आपको एक साइड से लगा के दिखाऊंगी। तो मैं सॉरी, ये साइड का मैं फोल्ड कर लेती हूँ आपके, और मैं एक साइड से आपको लगा के दिखाऊंगी। इस ऐसे करने से ना हमें दोनों साइड से हम अच्छे से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से बालों को करने वाली, और हमको इसी अपने सर पे ही लगाना है इसे। तो इस तरीके से हमें हाथों में ले लेना है दही और इसे इस तरीके से अच्छे से हमें करते हुए जाना है बालों को। और हमारे इसे लगा लीजिए अच्छे से, देख सकते हैं, क्योंकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो वैसे सबको ही होती है और बहुत बाल झड़ते हैं अगर डैंड्रफ हो तो। और इसे है ना नहाने से पहले ही कर लीजिए अच्छे से बालों में, जैसे कंघी की जैसे तरह हमें बालों में लगा लेना है इसे, देख सकते हैं। तो आप देखिए, इस तरीके से हमें बालों पर लगाना है। मैं आपको अच्छे से लगा के दिखाती हूँ बालों को। मैं आपको एक साइड से ही बालों में लगा के दिखाऊंगी।
हमारे अगर सर में लगेगा ना हमें खुद ही पता चलेगा, क्योंकि ठंडा ठंडा महसूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बालों में सारे बालों में अच्छे से लगा लीजिए, और इसे अंदर लगाना है तो हमें ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। जब हम बाल ऐसे ऐसे करेंगे ना तो हमें मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे सर पे लगाना है, बालों में नहीं। अच्छे से सर में घिस लेना है। तो चलिए मैं अपने पूरे बालों में लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे बालों में अपने लगा लिया, सर पे अच्छे से लगा लिया, और अच्छे से मैंने इसको अच्छे से मसाज कर लिया है, लगा के रगड़ रगड़ के हमें लगाना है कि डैंड्रफ जो है ना हमारा अच्छे से अंदर, मतलब जो दही है ना और नींबू का रस है जो अच्छे से हमारे सरों में बालों में लग जाए अच्छे से। तो उस तरीके से हमें अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाना है दही और नींबू का रस। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसे है ना नहाने से पहले आप लगाइए, और नहाने से पहले आप लगा रहे ना तो सिर्फ आधा घंटा इसे रखिए, और आधा घंटे के बाद आप अपने कोई भी हर्बल शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपको ये है ना हफ्ते में 2 बार आपको करना है, तो गारंटी है कि मतलब इससे आपके डैंड्रफ कम हो जाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए आधे घंटे के बाद धोने के बाद आपसे मिल। हाय फ्रेंड, आप मेरे बाल देखिए कितने स्मूथ भी हो जाते हैं दही लगाने से, और मैंने जो बालों का डैंड्रफ का मैंने जो बताया है बहुत अच्छा है। हफ्ते में आप 2 बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप 2-3 हफ्ते इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद रिज़ल्ट मालूम पड़ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे बहुत अच्छा ये कि मतलब मुझे रिज़ल्ट आता है, तो ही मैं आपको वो चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपने ये चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ अगर वो चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं अपने ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो मेरा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने 2 हफ्ते लगाए हैं, मतलब कैमरा हिल गया, मेरा बाबू मस्ती कर रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे तो रिज़ल्ट आया है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपको अगर रिज़ल्ट आता है, आएगा ही, मैं तो बोल रही हूँ 100% आएगा। तो अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।